और हत्या का आरोप लगा है जो नीतीश कुमार जी की चहेती मंत्री हैं लिसी सिंह और उनके भतीजे के ऊपर। इसमें कार्रवाई के नाम पर जो है हमने देखा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल ये होता है, खड़ा होता है, जब खुल करके जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इसमें लेसी सिंह का कराया गया है जो कि मंत्री है, उनके भतीजे का किया हुआ है, तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते। इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण मिल रहा है। हम तो मांग करते हैं कि जरा लेसी सिंह जी का, नीतीश कुमार जी अगर ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, तो आप गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जांच जरा निष्पक्ष तरीके से कर लीजिए, विपक्ष की मांग को भी सुनिए, जरा सीडीआर रिपोर्ट जरा निकाल दीजिएगा लेसी सिंह जी का कि कितने बार उस थाना प्रभारी से इनकी बात हुई है, क्या बात हुई है। और अद्भुत है कि कुछ दिन पहले ही जो रिंटू सिंह है उन्होंने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज की कि उनकी जान को खतरा है, इसके बाद भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, ना एफआईआर लिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, तो आखिर जिम्मेवार कौन? थाना प्रभारी के ऊपर जो सस्पेंड हुआ कौन था भाई जो दबाव दे रहा था? कोई ना कोई तो होगा। अब परिजनों की बात को लेकर के तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए, जब खुलेआम कह रहे कि मंत्री और उनके भतीजे ने कराया, तो अब देरी किस बात की है? इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी के फ्रीलांसर पत्रकार व आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की जो है दो दिन पहले जो है लापता हो गई। अब शायद अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध में वो लगातार लिखते रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। चार दिन पहले शिवहर में बिहार के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के भतीजे नवीन झा की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। चंद दिन पूर्व में मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई, अब पुलिस के पास जो है कोई जवाब नहीं है। छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के आंगन नालंदा में एक छात्रा के साथ जो है बलात्कार होता है। कुछ दिन पहले देखा जाए तो वही जदयू के विधायक जो वाल्मीकि नगर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या की जाती है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद अगर आप देखें कुचायकोट के जो विधायक रहे अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई भतीजे मिलकर के कितने हत्याएं कराए हैं, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो भाजपा के मंत्री हैं उनके भाई के यहां से शराब मिला था, अब तक क्या कार्रवाई हुई, उनको बुला के पूछा गया नहीं गया, उस पर कोई जो है कोई चर्चा नहीं की गई। मधुबनी हत्याकांड जहां नरसंहार हुआ था, जहां हम लोग भी गए थे, गुर्दा तक निकाल लिया गया था, विनोद नारायण झा और रावण सेना के नेता के ऊपर आरोप लगा था, अब तक क्या कार्रवाई की गई? पटना में गुप्ता ब्रदर्स के अपहरण को लेकर के लगातार हम लोगों ने भी आवाज उठाई, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिएगा
500 व्यवसायिकों की हत्या हो गई, 15 दिन में 65 लोगों की मौतें हो गई और मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है। ये बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गए। हम लोग मूवी देखते थे गैंग्स ऑफ वासीपुर, ये पूरा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है, पूरे बिहार में तांडव मचाया जा रहा है। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए, अगर जांच होने लगे तो नीतीश कुमार जी के पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेउर जेल में मिलेंगे। ये स्थिति बनी हुई है और गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी में बिहार पुलिस भी शामिल है, जो निष्पक्ष रूप से जांच भी नहीं कर रही। ये वही लेसी सिंह जी हैं जिनका उपचुनाव में हम लोगों ने अपने अधिकारियों द्वारा डीलर को धमकाने का प्रयास किया था, जिसका रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सार्वजनिक आप लोगों के समक्ष रखा था, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं। और नीतीश कुमार जी लगातार बात करते हैं तो बोलते हैं गड़बड़ लोग, गड़बड़ चीज। अरे भाई, सारे गड़बड़ लोग तो आप ही के भी लोग, पूरा आपका जनता दल यूनाइटेड, आपका गठबंधन ही पूरे लोग आपको मिलेंगे गड़बड़ लोग, गड़बड़ चीजें जहां होती है। इतने घोटाले हो गए, किसी पे जांच नहीं, अपराध लगातार सबूत देने के बाद भी, राम सूरत राय जी के भाई का सबूत हमने दिया था, उसका कोई जवाब मिला नहीं और ना ही कार्रवाई हुई। अब 65 लोग मारे गए जहरीली शराब से, ये किसका विषय है? नीतीश जी कहते हैं जो पी लेगा तो मरेगा, कौन सी भाषा है भाई? आपने तो शराब बंदी लागू की है, शराब का एक बूंद जो है बिहार में मिलना नहीं चाहिए। कौन लोग नहीं जान रहा कि थाना के लोग जो है तस्करी करा रहे, बिकवाने का काम कर रहे। एक शब्द भी नीतीश कुमार जी ने अफसोस का, निंदा का, जिनकी जाने गई हैं, मौतें हुई हैं, बयान तक नहीं दिया इन्होंने। जंगल राज का जिक्र करते हैं, एक एक आंकड़ा 1990 से लेके 2018 तक हमने सदन के अंदर रखा कि नीतीश जी के राज में लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब बताएं नीतीश कुमार जी टाइम फ्रेम एक तय करें कि इनकी जो चहेती मंत्री हैं इनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, कब कार्रवाई की जाएगी। कितने बहनें हमारी विधवाएं हो जाएंगी तब जाकर के नीतीश कुमार जी का नींद टूटेगा। ये जवाब नीतीश कुमार जी को खुद आगे आकर के देना चाहिए। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हमने देखा है नीतीश कुमार जी अपने मुंह में दही जमा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। कहां गायब है मुख्यमंत्री जी? आरोप लगते हैं ऐसे ही नहीं लगते हैं। हम लोगों पे भी आरोप लगा, हम लोगों ने खुद आकर के सामने बोला कि भाई जांच कराओ, होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए।
इनके मंत्रियों में क्यों डर है भाई? सांच को आंच क्या? इनके मंत्री क्यों नहीं खुदा करके कहते कि हम इस्तीफा देते हैं, हमारी जांच ईमानदारी से कराई जाए? होना चाहिए, यानी जरूर कुछ दाल में काला है, दाढ़ी में तिनका है। और नीतीश कुमार जी, बिहार प्रशासन, पुलिस महकमा, आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा जब आपके विधायक ही आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके मंत्री ही आप कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे? कैसे चलेगा बिहार? लगातार हत्याएं हो जा रही है। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, उन पर भी हत्या का आरोप लगा था, एक मुखिया की हत्या की। हम लोग भी वहां गए थे वैशाली जिला में, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो लगातार तो आप ही के दल के और आप ही के गठबंधन के लोगों का लगातार नाम आता है। अब पुलिस खामोश हो जाती क्योंकि पुलिस का नियंत्रण जो है आपके हाथ में, इसलिए लगातार हम लोग जो है ये चाहते हैं कि ईमानदारी से जांच हो। मुख्यमंत्री जो है सामने आकर के स्पष्टीकरण दें, मंत्री को बर्खास्त करें। लेकिन देखिए होता है क्या, चार दिन बाद आप लोग भी भूल जाइएगा, लोगों का आंसू सूख जाएगा, कार्रवाई के नाम पे बस लिपापोती होगी, कुछ होना होना है नहीं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अपराधियों पे कार्रवाई कैसे हो सकती है जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? ईमानदारी से जांच कैसे हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त रहेगा? इसलिए हमको लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके, अब इतना बड़ा और किसी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना हुई होती, किसी मंत्री पे ऐसे आरोप लग गए होते, तो आप समझ जाइए क्या होता। योगी और नीतीश कुमार जी में कोई फर्क तो नजर आ नहीं रहा, एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों। योगी जी वाला हाल हम लोगों ने देखा ही, कैसे किसानों को रौंदा गया, मंत्री साथ में खड़ा। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराधी जो है बिना डर के AK-47 लेके भूने जा रहे हैं लोगों को, और जिन पे आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में, कोई अंतर हमको तो नजर ही नहीं आ रहा नीतीश कुमार जी और योगी आदित्यनाथ में। ये डबल इंजन है भाई, जहां एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन पूरी तरीके से अपराध में है। इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे, बिहार का विधानसभा का सत्र भी आएगा, यहां भी हम लोग जो है लगातार हम लोग इन चीजों को लेकर के आवाज उठाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, अगर ईमानदार हैं, अगर उन्होंने हत्या नहीं करवाई है तो जांच की अपील करें, इस्तीफा दें, अपना CDR रिपोर्ट खुद ही जमा करें, लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में डालें, पता चल जाए कि क्या मामला है। जिसने अपना पति खोया है वो लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार जी ने किया है, लीसी सिंह ने किया है, उसके भतीजे ने किया है,
अब इंतजार किस बात का हो रहा है? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो इनसे रिलेटेड चाहे शराब माफिया हो, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि शराब से कई जिलों में जो है लोग मारे गए हैं, लगभग 65 लोगों की जान गई। इसको लेकर के भी प्रदेश अध्यक्ष जी जगदा बाबू जी ने राष्ट्रीय जनता दल की टीम बनाई है, अलग अलग जगह लोग जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। लेकिन ये घटना कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, ये घटनाएं लगातार होती रहनी है। और जिम्मेवार कौन है इसको? आप भाई बंदी किए हैं तो चालू कैसे है शराब, होम डिलीवरी कैसे है? पूरी तरीके से पुलिस जो है कमाने में लगी हुई है, इधर अपराधी जो है बेखौफ जो है भूनते चले जा रहे हैं। तो इसमें सबूत भी है, गवाह भी है, सीसीटीवी में सब लोगों ने देखा भी है कि किस प्रकार से गोली चलाई गई। दोबारा वो देखने भी गया कंफर्म करने की मरा है कि नहीं मरा है। गट्स देख लीजिए, पहले लोग गोली मार के भाग जाते थे, आजकल गोली मार करके दोबारा देखने जाते हैं कि जिंदा है कि मरा है। कितना भारी अंतर आ गया नीतीश जी के इस सुशासन के राज में। तो इससे कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए सीबीआई हो या कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच हो, कौन सा जांच होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ईमानदारी से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और जब आरोप जो जिन पे आरोप लगा है वो साधारण व्यक्ति तो है नहीं, मंत्री हैं, मंत्री के भतीजे हैं, और आरोप हमने तो नहीं लगाया। जिनका मृत्यु किया गया है उन्हीं की धर्मपत्नी ने, उन्हीं के परिवार वालों ने आरोप लगाया है। अब बखूबी अच्छे से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, और जो छवि रही है लीसी सिंह जी की, ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं, इसका कई घटनाओं का भी जिक्र किया गया इससे पहले भी। तो इसमें तो नीतीश कुमार जी कहाँ है? सवाल तो ये पूछना चाहिए ना, नीतीश कुमार जी जो उनका गैंग है नीतीश कुमार जी का, आप क्या कहिएगा? जहां उनके विधायकों पर इतने आरोप जो हम गिनवाए हैं, मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, तो ये तो एक गैंग है। और बिहार को तिजोरी तो खत्म कर खाली कर ही दिया, और आम लोगों की सुरक्षा के सवाल है भाई। जो मंत्री विधायक को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बिहार के अपराधियों को क्या कंट्रोल करे? सवाल तो बनता है। अरे भाई वो सत्ता में है, हम विपक्ष में, मंत्री है, छेड़छाड़ कर सकते, दबाव हो सकता है। इमीडिएटली फिर सस्पेंड क्यों किया गया थाना प्रभारी को? शायद वो दोषी ना होता, क्यों सस्पेंड किए? तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, हटाना ना चाहिए। समर्थन भी करती है और विरोध भी करती है, ये थोड़ी नीति क्यों अपनाई? आप
पता नहीं कौन क्या कहता है, हम तो खामियां गिना रहे हैं। अब आप बताइए शराब से लोग मरे कि नहीं मरे, क्या हम बोले या चुप रहे? तो कमियां है ना भाई, विपक्ष का तो काम है ना कमियां गिनाना। आप कितना समीक्षा बैठक आप लोग देख लिए, वो भिक्षा बैठक होता है, वो समीक्षा बैठक नहीं वो भिक्षा बैठक है। एक आध बार समीक्षा कितना हाई लेवल कौन, अरे एक बात बताइए हाई लेवल क्या होता है? बैठेंगे अपने कौन, चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठेंगे, दो चार मंत्री बैठेंगे या मुख्यमंत्री बैठेंगे, दिन भर तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, दिन भर तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, बिना अधिकारी के बैठे रहते हैं क्या? डीजीपी भी बैठे रहते हैं, कोई मीटिंग कीजिए भाई, डीजीपी होंगे चीफ सेक्रेटरी होंगे, तो इसमें हाई लेवल क्या, हमेशा हाई लेवल में रहते हैं। नीतीश कुमार जी तो हमेशा हाई लेवल में रहते हैं ना, कौन सी बैठक करेंगे भाई? हम ध्यान नहीं दिए। श्याम रजक जी ने कहा है कि जिन्ना की वजह से नहीं सावरकर की वजह से विभाजन हुआ, क्या कहना है आपको? अभी तो न्यू इंडिया की लोग बात कर रहे हैं, कहा सह्याद्रीची उंची म्हणजे सिचोवी।